गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर टू कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टू टाइप्स ऑफ मेमोरी और स्टोरेज क्या हैं। प्राइमरी मेमोरी होते हैं जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह के होते हैं, रैम होते हैं, रोम होते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलियरी मेमोरी विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली। इन प्राइमरी मेमोरी डेटा कैनॉट बी रिटेन परमानेंटली इन लार्ज अमाउंट, दैट इज़ वाई सेकेंडरी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड सो दैट द इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। वेन एवर डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग और एनी अदर रीजन, इट कैन बी फेस्ट फ्रॉम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस एंड ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी। इट हेल्प द कंप्यूटर गेट डेटा एज एंड वेन रिक्वायर्ड एंड टू राइट इट बैक। दीज डिवाइसेज आर अटैच टू द CPU फॉर ए ह्यूज पर्पस। पहले हम लोग पढ़ते समझते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। ये चार तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। पहला है मैग्नेटिक टेप, दूसरा है मैग्नेटिक टेप या हार्ड डिस्क, फिर तीसरा फ्लॉपी डिस्क, फिर कंपैक्ट डिस्क। उसके बाद पेन ड्राइव भी होता है। ये मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है जिसे मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है, फिर ये फ्लॉपी डिस्क है, फिर ये CD है या DVD एंड पेन ड्राइव। ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि डेटा को हम सदा के लिए स्टोर करके रखता है प्राइमरी मेमोरी की तुलना में। प्राइमरी मेमोरी क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा को नहीं लिखा जा सकता है हमेशा के लिए, सदा के लिए। बहुत विस्तृत मात्रा में, इसीलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को, जिससे कि सारी जानकारियां को स्टोर करके जमा करके रखा जाए भविष्य के लिए। जब भी डेटा की आवश्यकता पड़ती है काम करने के लिए, तो क्या कर ये ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस से प्राप्त होती और ट्रांसफ़र कर दी जाती है प्राइमरी मेमोरी में। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, मेमोरी कंप्यूटर को मदद करता है जो भी डेटा हम लोग रखे रहते हैं उसको फिर से पुनः प्राप्त करने में। ये यंत्र होता है जो CPU के साथ अटैच किया रहता है। हम लोग हर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को विस्तार से समझते हैं। मैग्नेटिक टेप क्या है, ये एक ऑडियो या वीडियो टेप के जैसा होता है। इसमें एक पतला ऐसा प्लास्टिक का रिबन होता है जिसमें कि चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड मिला के बनाया जाता है। ये 1.5 इंच चौड़ा होता है। इसमें रील होता है जो कि 50 से लेकर 3000 फीट तक का रील होता है। ये डेटा जो भी डेटा होते हैं इसको क्या करता है, क्रमिक रूप में रखता है। अगर एक ब्लॉक को अगर इसमें से अलग किया जाए तो उसमें दोनों के बीच में इंटर ब्लॉक का अंतराल होता है। एक जो समूह होता है ब्लॉक का, उसे फाइल कहा जाता है। इसे मापा जाता है स्टेप को बिट्स पर इंच में। जैसा ही फिगर में देख रहे हैं, ये जो पहले समझाया गया है कि इसमें रील होता है कार्ट्रिज में, ये क्या होता है 50 से 3000 फीट तक का होता है। इसमें चौड़ाई भी इसकी 1.5 इंच होती है। अब हम लोग हार्ड डिस्क समझते हैं। मैग्नेटिक के जो सर्कुलर पैटर्न मेड ऑफ ऑफ माइलर प्लास्टिक और एवन स्मूथ मेटल कोटेड विद मैग्नेटिक फेरोकोसाइड ऑन बोथ साइड, देयर इज ए कंडक्टिंग कॉइल लाइक एन ऑडियो टेप हेड विच इज स्मॉल इन साइज एंड रीडिंग एंड राइटिंग डेटा ऑन द डिस्क। दिस इज कॉल्ड ए हेड विच कैन बी मूवेबल और स्टैटिक। जैसा इस फिगर में देख रहे हैं, एक सर्कुलर है, प्लेटर है, ये माइलर प्लास्टिक का बना होता है। मैं
और इसका मेटल जो होता है कोटेड किया जाता है मैंग चुंबकीय फेरक ऑक्साइड से दोनों साइड में। उसमें संचालन करने वाला एक तार का गुच्छा होता है, जैसा कि ऑडियो मतलब गाना सुनने वाला टेप के हेड में होता है, जो कि बहुत छोटा होता है साइज में फॉर लिखने और पढ़ने के लिए डेटा को डिस्क पे। इसे हेड बोला जाता है, जो कि मूव कर सकता है या स्थिर रहता है। इस साइड ऑफ द डिस्क हैज इट सेपरेट हेड, दिस मेक्स रीडिंग एंड राइटिंग वेरी फास्ट। इसके हर भाग में डिस्क का अलग अलग हेड होता है, जिससे कि पढ़ने और लिखने में आसान बनाता है, बहुत तेज़ी से होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, डिस्क पैक बोला जाता है। ये डिस्क पैक को ऑल हार्ड डिस्क भी बोला जाता है। हम लोग फ्लॉपी डिस्क समझते हैं। ये क्या होता है, ये भी एक तरह का छोटा होता है सर्कुलर डिस्क होता है, माइलर प्लास्टिक का बना होता है, और इसमें इसका लेयर बहुत ही अच्छा होता है चुंबकीय फेरक ऑक्साइड का, जो कि सुरक्षा करता है हार्ड प्लास्टिक कवर के साथ। जैसा कि देख रहे हैं, ये हार्ड प्लास्टिक कवर है ऊपर में, ये वाला जो है। फ्लॉपीज आर इंसर्टेड इनटू द डिस्क ड्राइव व्हिच हैड टू हेड्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग व्हेन फिजिकली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ ए फ्लॉपी। फ्लॉपीज को इंसर्ट किया जाता था डिस्क ड्राइव में, जिसमें उनके दो हेड होते हैं, एक लिखने और पढ़ने के लिए। फ्लॉपी डिस्क का यूज़ बहुत पहले किया जाता था जब सीडी नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एडवांस होता गया, फ्लॉपी डिस्क नहीं यूज़ किया जा रहा है, अब सीडी का प्रयोग कर किया जा रहा है। सीडी से भी ज़्यादा एडवांस हो गया पेन ड्राइव। हम लोग समझते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है। द स्टोरेज डिवाइस डिस्कस प्रीवियसली आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म, बट ए कॉम्पैक्ट डिस्क इज फॉर्म फ्रॉम मटेरियल सच एज पॉलीकार्बोनेट एंड कोटेड विद ए हाईली रिफ्लेक्टेड सर्फेस। दिस द लेजर टेक्नोलॉजी यूज टू राइट डेटा ऑन द डिस्क। Laser beams are focused on the surface of the disk, which makes small microscopic pits hole. To read the data, laser beams are again focused, which, when reflected and sensed by the drive, the intensity of the reflection changes as pits are encountered. These changes are detected by the photosensor and converted into digital signals. Data once cannot be erased. There are different kinds of drives for writing on these disks. जो भी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि अभी डिस्कस किया गया था इसके पहले, वो मैग्नेटिज्म के मतलब चुंबक के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, ये बनता है जब पॉलीकार्बोनेट और इसमें कोटिंग दी जाती है रिफ्लेक्टेड सरफेस की। ये लेजर टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग किया जाता है डेटा को लिखने के लिए। इसमें जो भी डेटा हम लोग लिखते हैं उसको इरेज नहीं किया जा सकता है। इसमें विभिन्न तरह के ड्राइव्स होते हैं लिखने के लिए डिस्क पर। बहुत सारा डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक का हो गया, फिर बहुत सारा फाइल हो गया, फिर वीडियो का हो गया, फिर पेन ड्राइव। क्या है पेन ड्राइव? इज अनदर नेम ऑफ फॉर ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। अदर नेम्स आर फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव एक्सेट्रा। दीज आर डिवाइसेज दैट अलाउ द स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर फाइल्स दैट यू कैन रिमूव एंड टेक फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। द प्राइस ऑफ दिस डिस्क इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स मेमोरी मेजर्ड इन मेगाबाइट्स और जीगाबाइट्स। वाइल 128 मेगाबाइट्स ड्राइव्स यूज आर कंसिडर्ड लार्ज, करेंट पेन ड्राइव साइजेज कैन रीच 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और मोर जीगाबाइट्स। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, पेन ड्राइव है, इसका दूसरा नाम होता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं हम लोग। उसमें ब्लिंक करके रोशनी दिखाई देती है। ये रिमूवेबल ड्राइव होते हैं, जो कि डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र कंप्यूटर में कर सकते हैं, फिर कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेन ड्राइव में, इसलिए इन्हें रिमूवेबल ड्राइव भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र भी होता है। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोई फाइल का हो गया या
ऑडियो या वीडियो सब देख सकते हैं हम लोग। ये भी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और इससे भी ज़्यादा जीबी का होता है ये पेन ड्राइव।